सो so, हेलो आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलीटेक्निक के नंबर वन स्टडी चैनल एकेडमी में तो टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी एडमिशन्स को लेकर ताकि आप अपने एडमिशन में 100% परसेंट बेस्ट रिजल्ट लाओ बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिले इसके लिए काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया होती है कंप्लीट काउंसलिंग के प्रोसेस को जानेंगे किस तरीके से हम बेहतर काउंसलिंग कर सकते हैं कि रैंक वाइज काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए या कॉलेज वाइज या ब्रांच वाइज ताकि आपको अपने नंबर के अनुसार काउंसलिंग में एडमिशन यानी कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल पाए तो सब कुछ जानेंगे क्योंकि काउंसलिंग सबसे मेन फैक्टर रोल है आपके एडमिशन का इसके द्वारा आपको बढ़िया कॉलेज खराब कॉलेज या फिर कुछ भी हो सकता है जो आप हाँ बिल्कुल एक बार शेयर कर लेंगे और वीडियोस को सभी स्टूडेंट का वेलकम है शुरू से जानेंगे कैसे हैं सर हम बढ़िया हैं सभी को गुड मॉर्निंग है ठीक है ओके सुनो मेरी बात ध्यान से देखो पहले शुरू से समझते हैं कि काउंसलिंग होती क्या है चाहे ये पॉलिटेक्निक का हो टेक का हो जयस का या फिर कोई भी काउंसलिंग बिल्कुल यही प्रोसेस होता है चाहे ऑल ओवर इंडिया में आप कोई सा भी एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवा रहे होंगे तो शुरू समझते हैं पहले रुक जाओ मैं अपनी चीजों को बता देता हूं फिर आपको आगे कंटिन्यू कराऊंगा है ना काउंसलिंग तो जब आपको काउंसलिंग कह लीजिए एडमिशन चाहिए कहीं ना कहीं आप एडमिशन के लिए तो काउंसलिंग करवाते हो तो काउंसलिंग जो है एडमिशंस करवाने का एक मीडिएटर है रोल है काउंसलिंग के थ्रू काउंसलिंग वाली कंपनी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भेजती है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का, का काम है पढ़ाने का काउंसलिंग का काम है भेजने का ठीक है आपको मान लो दिल्ली जाना है तो ट्रेन के द्वारा जाते हो ना तो ये आपकी ट्रेन है इस पे आप अपने पसंदीदा जनरल का स्लीपर का एसी टिकट बुक करते हो है ना फिर आपको वो वहां पे पहुंचाएगी तो इसमें ओबीसी के जनरल के एस सी के अलग अलग गर्ल्स बॉयज एडमिशन लेंगे तो जब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्या जब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म फिलिंग होती है फॉर्म फिलिंग होने के बाद जब आप एग्जाम को कंप्लीट कर लेते हो रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट में आपको मेंशन होता है कि आप काउंसलिंग में जा सकते हो या नहीं अगर आप काउंसलिंग में जा सकते हो तो काउंसलिंग करवाओगे और काउंसलिंग के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होता है इसमें देखो काउंसलिंग के प्रोसेस को समझते हैं। काउंसलिंग समझ में आ गई कि एडमिशन कराने के लिए आपके रैंक के अनुसार गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने का एक प्रोसेस है तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमेशा फॉलो होंगी है ना देखो पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है है ना फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा वेबसाइट पे ये चुकी ऑनलाइन होती है ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी आप कहीं से भी हो, है ना ऑनलाइन होगी इसके बाद आपका होगा चॉइस फीलिंग है ना चॉइस फीलिंग चॉइस फीलिंग क्या होता है रजिस्ट्रेशन तो समझ गए कि आपका नाम डिटेल्स ये सब इसमें होगा मेंशन है ना चॉइस फिलिंग होती है तो चॉइस फिलिंग में अब अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपको इलेक्ट्रिकल पसंद है आपको सिविल पसंद है आपको मैकेनिकल पसंद है ठीक है तो इसके लिए वो चॉइस फिल करवाता है आप अपने अपने मर्जी से अपने से घरों साइबर कैफे से चॉइस को फिल करते हो चॉइस फिलिंग होती है चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक किया जाता है चॉइस लॉक होता है फिर इसका रिजल्ट आता है जिसको बोलते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है result, ना आपको कौन सा सीट मिला अलॉट हुआ है ना सीट अलॉटमेंट ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा है ना देखो काउंसलिंग क्या करवाएगी आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगी पोर्टल पे फिर आपसे चॉइस फिल करवाएगी कि आप लखनऊ कानपुर पटना का रांची का कौन सा कॉलेज चाहते हो उसके बाद आपको जब फिल करवा लेगा आपके रैंक के अनुसार कंप्यूटराइज ये फिल्टर करके बता देता है कि आपका रैंक कितना था आपको ईबीसी एडब्ल्यू का या बीसी कैटेगरी का है ना या फिर गर्ल्स का कोटा रिजर्वेशन लेने के बाद कितना छूट मिलके कौन सा सरकारी कॉलेज अलॉट हुआ अब ये कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन कंप्लीट करवाते हो अगर वो कॉलेज जो मिला नहीं पसंद है तो आप कहाँ जाओगे आप जाओगे नेक्स्ट राउंड में है ना क्योंकि ये राउंड वाइज होता है है ना नेक्स्ट राउंड में आपकी एंट्री होगी क्योंकि काउंसलिंग राउंड वाइज होती है है ना एक से अधिक राउंड में होती है तो राउंड वन से शुरू होगी टू होगी ऐसे ऐसे चलती जाएगी जिनका बढ़िया रैंक रहेगा पहले राउंड में एडमिशन मिल जाएगा जिनका थोड़ा लो रैंक हो सकता पहले में नहीं मिला तो परेशान नहीं होंगे नेक्स्ट राउंड में मिल सकता है हो सकता है उसके भी नेक्स्ट राउंड में मिले तो ये नेक्स्ट राउंड आपका होता रहेगा ये सब कुछ ऑफिशियली आपके पोर्टल लिंक दिया जाएगा उस पर होगा रजिस्ट्रेशन करेंगे चॉइस करेंगे सीट अलाउट होगा अगर पसंद है तो फीस जमा करके गवर्नमेंट अब एडमिशन हो गया अब आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी समझ में आई काउंसलिंग का मैटर क्या है काउंसलिंग क्यों करवाते हैं अब इसमें देखो ये वेरिएबल चीज है मैं हमेशा कहता हूं लड़कियों के लिए अलग है लड़कों के लिए अलग है रैंक वाइज डिपेंड करता है मान लो किसी का रैंक पांच हजार है अगर वो ईबीसी से है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होगा अगर वो गर्ल्स है तो उसके लिए अलग होगा अगर वो एस कैटेगरी का है विकलांग है या फिर कोई कोटा लिया हुआ है तो सेम रैंक पे अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है इसलिए इसकी समझदारी नॉलेज आपके लिए होना चाहिए कि हमारा रैंक क्या है हमारी कैटेगरी क्या है और हमें उसके अनुसार कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है उसके अनुसार काउंसलिंग करनी चाहिए काउंसलिंग में आप एक से अधिक चॉइस लॉक कर सकते ये कोई लिमिट नहीं है कि आप का रैंक खराब है तो आप कम करेंगे एक से अधिक आप अपने चॉइस को दे सकते हो मतलब कि राउंड वन में जितने चाहो जितने सीट हैं जितने कॉलेज है सब में दे सकते हो समझ में आया सर यूपी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में ले लिया बिहार वालों का कितना रैंक चाहिए रैंक देखो कम से कम आपका अंडर फिफ्टी है पचास हज़ार के अंदर है तो मिल जाएगा सर ग्यारह का मैथ शुरू से पढ़ाई है अच्छा जैस के सभी स्टूडेंट आए हुए हैं हाँ इलेवेंथ का देखो अभी विष्णु सर को दिए हैं पढ़ाएंगे सर बिहारी भैया सर ट्वेल्थ के कुछ क्लासेस लेंगे हम सर लखनऊ मिल जाएगा ना इकतीस हजार कोई गारंटी नहीं है लखनऊ का देखो काउंसलिंग करवाना चाहिए ईबीसी कैटेगरी से सर मेरा पैंतीस क्वेश्चन सही है बिल्कुल करवाना चाहिए आपका जब रिजल्ट मिलता है तो रिजल्ट में देता है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं तो वहां पर लिखा होगा यस आपका कम रैंक हो ज्यादा रैंक हो सबको काउंसलिंग करवाना चाहिए देखो इसी चैनल पे ये तो खैर एक अलग वीडियोस है हमने कहा था और ये कि आप लोग के लिए काउंसलिंग की एक सीरीज स्टार्ट होगी तो ये काउंसलिंग सीरीज का वीडियो नंबर थ्री है है ना इस तरीके से हम आपको अलग अलग टॉपिक को कवर करते हुए तीस वीडियोस की सीरीज स्टार्ट करेंगे बट इस पर ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर काउंसलिंग क्या होती है हमें क्लियर नहीं मालूम है तो उसके लिए है बट हम आपको यही बने और भी बहुत ज्यादा आपके रैंक के अनुसार कौन सा ब्रांच लेना चाहिए कौन सा बेस्ट है कौन सा टॉप ट्वेंटी के है किस में ज्यादा वैकेंसीज हैं सब कुछ कह लीजिए इस सीरीज में कंप्लीट होगा जैसे ये तीस वीडियो कंप्लीट होगा एक पावरफुल सीरीज आपको कंप्लीट मिल जाएगी तो अगर हमने इस सेशंस को लाने का एक ही रीजन है कि आपका हेल्प हो पाए ज्यादा से ज्यादा आपकी नॉलेज गेन हो आप चीजों को समझो जानो इसलिए ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर टीचर हमारे लिए सारी चीजें कर रहे हैं तो वीडियोस देखो पसंद आता है तो पसंद आता है तो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है तो लाइक जरूर किया कीजिए क्योंकि ये हमारा नया चैनल है हम हाँ ना रेशवा एकेडमी का ये नया चैनल है जिसका नाम है रेशवा सेमेस्टर आर ए सी ई -E वी ए है ना रेशवा सेमेस्टर है ना तो आप इस पर भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे है ना देखो मेहनत हम आपके लिए खूब करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे अच्छा मेरी बात समझो अब सुनो आपके पॉलिटेक्निक में जब एडमिशन होंगी तो चूंकि सेमेस्टर सम, वाइज स्टडी होती है सेमेस्टर वन से लेकर सिक्स तक एक से लेकर सिक्स तक स्टडी होगी तो आपके आगे की सभी पढ़ाई रेशवा सेमेस्टर चैनल पे ही होगी इसलिए अब तो ये बिल्कुल जरूरी है कि आप तुरंत इसको सब्सक्राइब करके जुड़े रहो क्योंकि आपकी स्टडी यहां से स्टार्ट होगी जो बच्चे नए बैचेस में जुड़ चुके हैं वेट कर रहे थे कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया तो उनकी दस तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी है ना आपको मैं पीडीएफ वगैरह और अभी अवेलेबल करवा दूंगा सिलेबस का तो टेंशन ना लेंगे आपकी कंप्लीट स्टडी है ना बट 10 के बाद प्राइस इंक्रीज होने वाला है आज मैंने आपको मैसेज दे दिया था तो जो स्टूडेंट जुड़े हैं बहुत अच्छा किए हैं आपका कंप्लीट सिलेबस फाइव डबल नाइन नाइन में छे के सब्जेक्ट फुल स्टडी हो जाएगी बट ये दस तारीख तक है ना दस तारीख तक इसके बाद से इसके बाद से ये फीस चौदह सौ निन्यानवे हो जाएगी क्योंकि इसमें देखो अलग अलग सभी टीचर्स पढ़ाएंगे तो आप जुड़ सकते हैं और कहाँ पे जुड़ेंगे कैसे जुड़ेंगे तो इसका प्रोसेस है रेशवा एकेडमी है ना हमारा एप रेशवा एकेडमी पे क्या आर ए सीई भी ए अब आप अपने सवाल पूछो रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप पे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का तो आपको पहली बात तो ऐप में भी ज्वाइन होना है दूसरी बात टेलीग्राम में है ना? ताकि आपको हर एक चीजें मिलती रहे ठीक है गाइज हाँ क्या पूछ रहे थे अब पूछो सर मेरा रैंक ओबीसी में छियासी सौ है मुझे टॉप ट्वेंटी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा सर मैं बिहार से हूँ चांसेस है कन्हैया कुशवाहा बहुत अच्छा चांस है आपका सर मेरा बत्तीस क्वेश्चन से क्या हमको बिहार पॉलिंग गवर्नमेंट पॉलिंग बत्तीस सही है अभी और वेट कर लो अभी रिजल्ट आ जाने दीजिए रिजल्ट में आपका रैंक कितना है फिर उसके बाद हम बताएंगे अभी हम कहीं जा थोड़ी ना रहे हम तो आपके साथ डेली है ना आपको देखो हमने खुद अपनी काउंसलिंग खुद किए थे है ना और खुद हमने अपने पसंद से ब्रांचेस को सेलेक्ट करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया और हजारों स्टूडेंट को एडमिशन करवाया ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट डरते रहते हैं कि चीजें क्या हैं कैसे अगर आपको बहुत ज्यादा आइडियाज नहीं है तो आप परेशान नहीं हुआ चीजें आपकी काउंसलिंग बेस्ट काउंसलिंग होगी है ना अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो नाइन सिक्स टू वन नाइन फोर एट जीरो टू फाइव पे कॉन्टेक्ट कर लेंगे ठीक है ओके okay, या फिर नाइन सिक्स टू एट डबल जीरो फोर सेवन व्हाट्सअप करके पूछ लो किस या फिर कॉल करके डायरेक्ट पूछ लो सर हमें आपके यहाँ से काउंसलिंग करवानी है देखो इसकी फीस केवल और केवल दो सौ रुपये है काउंसलिंग कंप्लीट काउंसलिंग आपकी दो सौ रुपये इसका चार्जिंग लगता है क्योंकि इसमें लगभग लगभग दो सौ और जितने भी आप काउंसलिंग कैसे होगा पहले आपको जो ब्रांच पसंद है उसके अनुसार उसके बाद आपके रैंक के अनुसार फिर हम अपने से भी कुछ कॉलेज ऐड करेंगे ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले हम लोग प्राइवेट के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने मेहनत किया है आपके पैसे बचे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जाए आपके पैसे क्या आपके पिताजी के पैसे बचे तो उसके लिए बेस्ट काउंसलिंग सुपर काउंसलिंग आपकी यहां से होगी तो 200 चार्जेस हैं आप तुरंत कांटेक्ट करके अपना करवा सकते हैं या फिर हम व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर हमें कॉल कर लीजिए हमें काउंसलिंग करवाना है इसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं जानेंगे अब सवाल पूछो और सर पूरा छः सेमेस्टर पढ़ाइएगा एससी ब्रांच का आप छः सेमेस्टर नहीं छः सब्जेक्ट है ना आपके फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट सेम की पढ़ाई होती है है ना जब तक कि आपका रिजल्ट ना आ जाए तो उसकी कंप्लीट स्टडी बट अभी जो स्टूडेंट को पढ़ना है वो रेशवा एकेडमी एप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेंगे बाद में नहीं कहेंगे सर हमें नहीं मालूम था अब से सभी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे तो आपकी मर्जी आपको अच्छा लगता है वीडियोस तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करेंगे आईईआर की काउंसलिंग ऑफलाइन होती है तो उसकी काउंसलिंग आपको सेंटर पर जाके ही होगी क्योंकि आई में बारह के करीब सीट है तो अप्रॉक्स मैक्सिमम पंद्रह रैंक के अंदर जिनका आता है उनको मिलता है सीट ठीक है सर हमारा रैंक आठ है गोरखपुर में सिविल ब्रांच मिल जाएगा प्लीज मैक्सिमम चांस से मिल जाएगा सर मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब है मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा या नहीं बनवा लो अभी बनवा लीजिए कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि स्कॉलरशिप में तो नहीं लगेगा बट एडमिशन में लगता है ठीक है कार ब्लॉक भाई अजय रावत और देखो काउंसलिंग में मैं बता दू नीरज ब्रां भंडारी सर बिहार में चौबीस ही कॉलेज है काउंसलिंग में सौ कॉलेज कैसे चॉइस करेंगे अरे नीरज बहुत अच्छा सवाल पूछा है बिहार में देखो बयालीस कॉलेज है और दो कॉलेज है बयालीस है ये बॉयज और गर्ल्स के लिए है और दो केवल गर्ल्स के लिए तो टोटल चौवालिस कॉलेज अब मान लो तुम्हारा एक कॉलेज है पटना का पटना तेरह समझो पहले बात को पटना तेरह में सिविल है इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल है कंप्यूटर साइंस अलग अलग ब्रांचेस हैं तो एक कॉलेज में पांच ब्रांच भी एवरेज हम रखे एक कॉलेज में पांच ब्रांच भी रखे तो चालीस कॉलेज में चार पंजे बीस दो के करीब हुआ काउंसलिंग का मतलब देखो अभी तुम कन्फ्यूज हो और आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कन्फ्यूज उनको लगता है बस लखनऊ है तो लखनऊ ही है या रांची का या पटना का तो बस यही है आप एक कॉलेज में एक से अधिक ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो च्वाइस बढ़ गया ना आपकी च्वाइस है कि अगर मुझे पटना में सिविल मिल जाए तो भी ले लूंगा इलेक्ट्रिकल मिल जाए तो भी ले लूंगा मैकेनिकल मिल जाए तो भी कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो भी तो चार चॉइस हुआ ना इस तरीके से ये होता है सिस्टम तो आप परेशान नहीं होंगे आप लोग अच्छा हाँ बिहार भिह, के बच्चे नीड कर रहे थे तो उनकी भी काउंसलिंग शुरू होगी है ना प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है आपको जल्दी कांटेक्ट कर दिया जाएगा ठीक है तो आज की वीडियो में इजाजत दीजिए अगला टॉप वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस हम आपके लिए जरूर बनाएंगे और ये सीरीज काउंसलिंग की प्ले बना हुआ है जरूर देखेंगे इसमें शुरू से सारी चीजें समझ में आएंगी नेक्स्ट वीडियोस आपकी डिमांड पे होगा तो आज के लिए इजाजत दीजिए पढ़ाई करते रहिए मुस्कुराते रहिए फिर मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है